17वीं सदी में रोम, सिसली और नेपल्स में एक जहरीले अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की सरगना थी इटली की जूलिया टूफाना। अगर जूलिया के इकबालिया बयान पर यकीन किया जाए तो उसे इतिहास की सबसे बड़ी सीरियल किलर माना जा सकता है। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1630 से ईस्वी सन 1655 के बीच उसने 600 आदमियों की जान ली। मौत की इस मलिका का हथियार चाकू, छुरी, बंदूक या तलवार नहीं, मेकअप की शीशियों में भरा वो जहर था जिसे वो खुद बनाती थी। एक्वा टूफाना नाम के इस जहर की कुछ बूंदे ही काफी थी किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस सीरियल किलर के लिए खास तौर से महिलाओं के मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो इसे पसंद करती थीं। दरअसल उस दौर में शादी के बाद पत्नियों की सुनने वाला कोई नहीं होता था। पति मारे, पीटे, पैसे न दे, चाहे कैसा भी सलूक करे, पत्नी उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती थी। शिकायत करे भी तो किससे? पति के ऐसे बर्ताव को अपराध नहीं माना जाता था। तलाक लेने का भी कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। ऐसे में पति से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका था, पति की मौत, जिसे आसान बना दिया जूलिया के जहर एक्वा टूफाना ने। कहते हैं कि जूलिया ने इन औरतों की मदद करना अपना मिशन और बिजनेस बना लिया था। महिलाओं को विधवा बनाने वाला जहर एक्वा टूफाना अपना काम करने के बाद कोई सुराग भी नहीं छोड़ता था। किसी स्वस्थ आदमी को मारने के लिए इसकी 4 बूंदे ही काफी थी। लगभग 25 साल तक बिना किसी शक के जूलिया मौत का यह खेल खेलती रही। ईस्वी सन 1650 के आसपास जूलिया के इस जहरीले अंडरवर्ल्ड का पर्दाफाश हो गया। हुआ यूं कि जूलिया के एक क्लाइंट ने सूप बाउल में जहर मिलाकर अपने पति को दे दिया। गुस्साए लोगों ने उस चर्च को घेर लिया और जूलिया को गिरफ्तार कर रोम के सबसे बड़े चर्च में ले जाया गया। कहते हैं कि वहां उसे खूब यातनाएं दी गईं। आखिरकार उसने कबूल किया कि पिछले 25 साल से उसने लगभग 600 आदमियों को मारने के लिए उनकी पत्नियों की मदद की। जुलाई 1659 में जूलिया, उसकी बेटी और उसके गैंग की 3 और महिलाओं को मौत की सजा दे दी गई।